ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी मैचेस के बारे में जो कि इस पेपर व्यू के लिए कंफर्म हो चुके हैं, और इन मैचेस में किन किन सुपरस्टार्स की जीत होगी, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शन फॉर एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किक ऑफ मैचेस से, जहां हमें पहला मैच देखने को मिलेगा न्यू डे वर्सेस सैनिटी टीम के बीच। इसमें हम देख रहे हैं कि सैनिटी टीम का अभी अभी स्मैकडाउन लाइव पर डेब्यू हुआ था। इसमें लगता नहीं यहाँ पर कि सैनिटी टीम के साथ WWE कुछ बुरा करने वाली है, और मुझे लगता है यहाँ पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा न्यू डे को, तो इसलिए यहाँ से मैं अपना विनर पिक करूंगा सैनिटी टीम को। अगले मैच की बात करते हैं जो कि हमें देखने को मिलेगा एंड्राडे सीएन एलमेस वर्सेस सिंकारा के बीच। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हाल है, एंड्राडे सीएन एलमेस को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्मैकडाउन लाइव ब्रांड पर डेब्यू करे हुए, तो ऐसे में लगता है WWE यहाँ पर उन्हें पुश देना चाहेगी, और यहाँ पर इजिली मैं अपना विनर पिक करूंगा एंड्राडे सीएन एलमेस को। अगले मैच की बात करते हैं, या मैं कहूँ मेन शो की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हमें मैच देखने को मिलेगा रॉ के वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एलेक्सा ब्लिस वर्सेस नाया जैक्स के बीच। तो आपको बता दूं, एलेक्सा ब्लिस वर्सेस नाया जैक्स के जो मैच देखने को मिलेगा एक्सट्रीम रूल्स पेपर में, इसकी वजह यहां पर दूसरी है, और वो है राउडी रोंडा राउजी, क्योंकि WWE प्लान कर रही है समर स्लैम में रॉ की वुमेन चैंपियनशिप के लिए रोंडा राउजी के लिए एक बड़ा मैच, और वो मैच पॉसिबली हो सकता है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रोंडा राउजी के बीच। तो इसमें यहां से विनर मैं पिक करूंगा करंट रॉ की वुमेन चैंपियन एलेक्सा ब्लिस को। अगले मैच की बात करते हैं जो कि स्मैकडाउन लाइव की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ब्लडजन ब्रदर्स वर्सेस टीम हेलनो के बीच। और जैसे कि मैं आपको पिछले कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, यहां पर टीम हेलनो के चैंपियनशिप जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यहां पर हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है मिस की, या फिर केन इस मैच में कोई बड़ा कारनामा कर सकते हैं। तो इसमें हो सकता है यहां पर टीम हेलनो जीते लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन से, और हमें यहां पर टाइटल चेंज देखने को ना मिले, मतलब कि पूरा यहां पर मतलब यह है कि स्मैकडाउन लाइव के करंट चैंपियन जो कि हैं ब्लडजन ब्रदर्स, वो एक्सट्रीम रूल से भी जब बाहर निकलेंगे तो वो स्मैकडाउन लाइव के टैग टीम चैंपियन ही होंगे। स्टील केज मैच की बात करें जो कि हमें देखने को मिलेगा ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच। तो इस मैच में तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, WWE काफी अच्छा पुश कर रही है ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और वैसे भी केविन ओवेंस बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार भी नहीं कि वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा दें, तो इसलिए यहां से मैं अपना विनर पिक करूंगा ब्रॉन स्ट्रोमैन को। अगले मैच की बात करते हैं जो कि शायद पेपरव्यू का सबसे जबरदस्त मैच होने वाला है, और यह इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच, और यह होने वाला है 30 मिनट आयरन मैन मैच, मतलब कि यहां पर हमें पिनफॉल सबमिशन काफी सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। बात करें इस मैच के विनर की, तो यहां पर ऐसा लगता है कि WWE के पास सेथ रॉलिंस के लिए कुछ अलग प्लान्स हैं, और ज़िगलर को शायद यहां पर WWE और ज्यादा पुश करना चाहेगी, और वैसे भी इस मैच में ड्रू मैकइंटायर की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है, तो इसलिए यहां से मैं अपना विनर पिक करूंगा करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डॉल्फ ज़िगलर को। अगले मैच की बात करते हैं जो कि हमें देखने को मिलेगा फिन बैलर वर्सेस कांस्टेबल बैरन कॉर्बिन के बीच। तो फ्यूड के नाम पर हमें दोनों सुपरस्टार्स के बीच ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, और कोई भी फैंस ज्यादा इस मैच के लिए एक्साइटेड नहीं होंगे, तो इसलिए यहां से मैं अपना विनर पिक करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां पर जीत होगी फिन बैलर की। US चैंपियनशिप मैच की बात करें जो कि हमें देखने को मिलेगा जेफ हार्डी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच। तो यहां पर हमने देखा शिंसुके नाकामुरा को पहले कैसे WWE चैंपियनशिप के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन वो एक बार भी चैंपियनशिप मैच को जीतने में कामयाब नहीं रहे, भले ही डिस्क्वालिफिकेशन या फिर अलग अलग तरीकों से जीते, लेकिन चैंपियनशिप उनके कंधों पर एक बार भी नहीं आया। तो शायद यहां पर ऐसा लगता है कि WWE यहां पर शिंसुके नाकामुरा को US चैंपियनशिप देना चाहेगी, तो इसलिए यहां से मैं अपना विनर पिक करूंगा शिंसुके नाकामुरा को, और वो बन जाएंगे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। WWE चैंपियनशिप मैच की बात करें जो कि हमें देखने को मिलेगा रूसेफ वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच। अब इस मैच की बात करें तो यहां पर मुझे लगता है कि विनर के बारे में ज्यादा कोई सोचने वाली बात है, क्योंकि समर स्लैम पेपरव्यू काफी नजदीक है, तो ऐसा लगता है यहां पर WWE के पास एजे स्टाइल्स के लिए WWE चैंपियनशिप के साथ कुछ बड़े प्लान्स हो सकते हैं, तो इसलिए यहां से मैं अपना विनर पिक करूंगा WWE चैंपियन एजे स्टाइल्स को। रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप मैच की बात करें जो कि हमें देखने को मिलेगा द बी टीम वर्सेस ब्रे वाइट एंड मैट हार्डी के बीच। फिलहाल हम बात करें रॉकी एपिसोड्स की, वहां पर हमें लगातार देखा कैसे बी टीम काफी ज्यादा हावी साबित नजर आ रही है, लेकिन क्या बी टीम इस चीज को कंटिन्यू रख पाएगी? वैसे मुझे लगता है अगर WWE ने बी टीम को इतना पुश दिया तो रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप उन्हें जिता देनी चाहिए, तो इसलिए यहां से मैं अपना विनर पिक करूंगा द बी टीम को। अगले मैच की बात करते हैं जो कि हमें देखने को मिलेगा स्मैकडाउन लाइव की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए आस्का वर्सेस कार्मेला के बीच, जहां पर हमें शार्क केज में जेम्स एल्सवर्थ भी बंद देखने को मिलेंगे। वैसे बात करें आस्का की, तो काफी टाइम पहले उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो स्मैकडाउन लाइव की वुमेन्स चैंपियनशिप को जीते जब उनका शार्लट के साथ मैच था, लेकिन वो वहां पर ऐसा नहीं कर पाई। बात करें कार्मेला की, तो एक बार उन्हें पहले अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी, लेकिन वहां पर हमें इंटरफेरेंस देखने को मिली, जिसके चलते आस्का इस बार भी यहां पर टाइटल को नहीं जीत पाए। तो क्या यहां पर आस्का के पास चांस है कि वो स्मैकडाउन लाइव की वुमेन्स चैंपियनशिप को जीते? वैसे बताऊं यहां पर विनर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोई एक मुझे प्रेडिक्ट करना, तो यहां से मैं पिक करूंगा करंट चैंपियन कार्मेला को। अब बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली के बीच मैच की। अब भले इस मैच में कोई भी स्टिपुलेशन नहीं है, ये तय नहीं कि जो भी सुपरस्टार जीतेगा वो आगे जाकर ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रॉ के एपिसोड में जो कि एक्सट्रीम रूल्स के बाद होने वाला, या फिर थोड़े और बाद होने वाला समर स्लैम से पहले,
वहां पर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो भी सुपरस्टार इस मैच को जीतेगा कहीं ना कहीं आगे जाकर उसे एडवांटेज मिलेगी कि वो ब्रॉक लेसनर को आगे जाकर चैलेंज करे। तो बेसिकली इस मैच का मतलब ये है कि जो भी सुपरस्टार मैच को जीतेगा वो आगे जाकर चैलेंज करेगा ब्रॉक लेसनर को। और मुझे यहां पर क्या लगता है, मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि WWE टॉप गाय दिखाती है रोमन रेंज को, बट यहां पर बॉबी लेसनर भी काफी बड़े सुपरस्टार हैं। भले उनकी अभी पहले फ्यूड अच्छी नहीं रही थी, लेकिन रोमन रेंज के साथ फ्यूड में आते ही हमें वो अलग ही लेवल के सुपरस्टार लगने लगे, स्पेशली जिस तरह की हमने ब्रॉल देखी थी उनकी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जो कि था एक्सट्रीम रूल्स पे-पर-व्यू से पहले। बात करूं इस मैच के विनर की तो शायद मैं यहां पर गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं पिक करूंगा बॉबी लेसनर को और वो एक्सट्रीम रूल्स में हराने वाले हैं रोमन रेंज को। तो बस ये तो वो सारे मैचेस जो कि हमें देखने को मिलेंगे एक्सट्रीम रूल्स में एंड माय रिजल्ट्स प्रेडिक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे अपनी प्रेडिक्शन भी जरूर बताना कि आपको क्या लगता है किन किन मैचेस में किन किन सुपरस्टार्स की जीत होगी। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।